क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड ये हमने आ, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में दिखाया कि ट्रायल एंड एरर मेथड कैसे करते हैं आज हम फिर से देखते हैं इसको कैसे करते हैं पी पी एक वेरिएबल है ये इसका एलएचएस साइड और ये इसका आरएचएस साइड लेट करेंगे कि पी है जीरो फाइव इंटू पी पी हमने लिया जीरो प्लस टू फाइव इंटू जीरो 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 प्लस टू इज इक्वल टू टू ले और यहाँ से है एल एच एस में आर एच एस में सेवेंटीन अभी भी ये बैलेंस अभी ये बैलेंस नहीं है हम लेट करेंगे कि पी हम लेंगे टू इक्वल टू टू फाइव इंटू टू प्लस फाइव टू आर 10 टेन प्लस टू इज इक्वल टू ट्वेल्व अभी भी ये इक्वल नहीं है दोनों साइड एल एच एस और आर एच एस हम लेट करेंगे थ्री आर फिफ्टीन फिफ्टीन प्लस टू 17. यहां से भी 17. अब यहाँ पर एल एच एस और आर एच एस इक्वल है जब ये इक्वल है उस वक्त पी का वैल्यू है थ्री देर फोर पी वेबल इज इक्वल टू थ्री बाकी क्वेश्चंस इसी तरह से करने हैं अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर फोर राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स स्टेटमेंट्स मतलब एक सेंटेंस दिया गया है जो आपको इक्वेशन में चेंज करना है आप देखिए हम इस इक्वेश को कैसे चेंज करें क्वेश्चन नंबर फोर पार्ट फर्स्ट द सम ऑफ नंबर्स एक्स एंड फोर इज नाइन द सम ऑफ नंबर्स सम मीन्स प्लस की सिग्नेचर ऑपरेशन प्लस आया है और नंबर है एक्स एंड फोर तो इक्वेशन बनेगी एक्स प्लस फोर इज इज मीन्स इक्वल टू नाइन ये बन गया हमने स्टेटमेंट दैट दीज सेंटेंस को इक्वेशंस में चेंज किया इसी तरह थर्ड वाला पार्ट देखिए टेन टाइम्स ए दस बार लीजिए ए टेन इन टू ए इज सेवेंटी इज मीन्स इज इक्वल टू वहां से निकलेगा सेवेंटी तो ये बन गया टेन ए इज इक्वल टू सेवेंटी ये हमने स्टेटमेंट को इक्वेशन uh, में चेंज किया इसी तरह वी पार्ट देखते हैं थ्री फोर्थ ऑफ टी थ्री फोर्थ थ्री बाई फोर थ्री डिवाइडेड बाई फोर थ्री फोर्थ इसी को कहते हैं थ्री फोर्थ ऑफ ऑफ मीन इंटू टी टी हेलेबल इज इज इक्वल टू फिफ्टीन दैट इज इक्वल टू थ्री बाई फोर थ्री टी बाई फोर इज इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं थ्री थ्री टी इज इज इक्वल टू डिवाइड बाई फोर इज इक्वल टू फिफ्टीन इसी तरह लास्ट में देखते हैं नाइन्थ वाला पार्ट देखते हैं इफ यू एड थ्री टू वन थर्ड ऑफ जेड वन थर्ड वन बाई थ्री ऑफ मीनज इन टू जेड जेड है वेरिएबल प्लस करेंगे एड करेंगे थ्री यू गेट थर्टी आपको मिलेगा थर्टी इज यू गेट थर्टी का मतलब इज इक्वल टू थर्टी जेड इंटू वन दैट इज जेड जेड बाई जेड इंटू वन जेड बाई थ्री प्लस थ्री इज इक्वल टू थर्टी ये हमने इस तरह से स्टेटमेंट को इक्वेश में चेंज करना है इसी तरह क्वेश्चन नंबर फाइव में देखेंगे कि इक्वेशन को हम कैसे सेंटेंस में चेंज करें क्वेश्चन नंबर फाइव पहला पार्ट एक्स प्लस फोर इक्वल टू सिक्स इसको क्वेश्चन कहता है राइट द फॉलोइंग राइट द फॉलोइंग राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म इसको स्टेटमेंट में चेंज कीजिए ये इक्वेशन है आपको स्टेटमेंट में इसको चेंज करना है तो इस तरह से हम करेंगे द सम ऑफ एक्स एंड फोर द सम ऑफ एक्स एंड फोर इज सिक्स इसी तरह देखते हैं थर्ड वाला इसका टू एम इज इक्वल टू इलेवन तो लिखेंगे टू टाइम्स एम टू टाइम्स एम इज इलेवन ये हुआ स्टेटमेंट को इक्वेशन uh, को स्टेटमेंट में चेंज करना इसी तरह नेक्स्ट हम देखते हैं वी आई वाला पार्ट ये है थ्री पी बाय फोर माइनस सेवन इज़ इक्वल टू फिफ्टीन देखिए क्या कहते हैं थ्री पी इफ वो सब्ट्रैक्ट सेवन फ्रॉम इफ वो सब्रैक्ट सेवन अगर हम सब्ट्रैक्ट करें सेवन टू थ्री फोर्थ ऑफ पी हमें क्या मिलेगा फिफ्टीन वो गेट फिफ्टीन इस तरह लिखेंगे इफ वो सब्ट्रैक्ट सेवन या सीधे सेवन भी लिख सकते हैं इफ वो सब्ट्रैक्ट सेवन जो थ्री फोर्थ थ्री फोर्थ ऑफ पी ऑफ मीन इन टू पी से वो गैच हमें मिलेगा फिफ्टी इसी तरह से आपको बाकी इक्वेशंस भी स्टेटमेंट में चेंज करनी है अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स

टाइम्स पांच गुना और सात मार्बल ज्यादा है इम्तियाज के पास हैं थर्टी सेवन मार्बल्स बताइए इक्वेशन कैसे बनेगी क्वेश्चन कहता है इमरान के मार्बल्स लेट करो के एम के बराबर हैं। टोटल इसको भी इक्वेशन में हमें चेंज करना है टोटल मार्बल्स टोटल मार्बल्स इम्तियाज हैज इज इक्वल टू थर्टी सेवन लेट नंबर ऑफ मॉवल्स इमरान हैज इज इक्वल टू क्वेश्चन कहते हैं खुद ही हमें वो एम आप लीजिए वेरेबल एम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्वेश्चन देखिए कैसे है करना है Question, इम्तियाज कहता है मुझे इमरान से पांच गुना 5 M 7, है इक्वेशन तो बन गई फाइव एम प्लस सेवन इज इक्वल टू थर्टी जितने मार्बल्स इमरान के पास हैं तो इम्तियाज को उससे पांच गुना और सात मार्बल ज्यादा है तो टोटल बनते हैं थर्टी सेवन इसी तरह क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं पार्ट सेकंड देखते से है ओल्ड ही इज फोर ईयर्स ओल्डर देन थ्री टाइम्स गुलशन्स एज टेक गुलशन्स एज टू बी वाई ईयर्स गुलशन का जो डैडी है इसका फर्स्ट पार्ट था आप सेकेंड पार्ट। गुलशन का जो फादर है उसकी एज है फोर्टी नाइन ईयर्स ओल्ड वो गुलशन से चार साल और थ्री टाइम ज्यादा है ए, आ, हमें लेट करना है कि गुलशन की एज है वाई इयर्स। लेट गुलशन एज इज इक्वल टू वाई इयर्स। तो उसके डैडी की एज है एज ऑफ फादर एज ऑफ हर फादर इज इक्वल टू फोर्टी नाइन ईयर्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखिए उसकी एज आ, कैसे हम इक्वेशन में चेंज करेंगे वो कहता है कि एक तो उसका डैडी उससे तीन गुना थ्री टाइम्स थ्री टाइम्स गुलशन से ज्यादा है प्लस चार साल फोर तीन थ्री टाइम्स और चार साल उसका डैडी उससे बड़ा है और फादर की एज है फोर्टी नाइन तो ये बन गया थ्री वॉय प्लस फोर इज इक्वल टू फोर्टी नाइन ये बन गई इक्वेशन थर्ड वाला पार्ट देखते हैं क्वेश्चन है द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाइस्ट मार्क्स ऑबटेनड बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास इज टू द लोएस्ट मार्क्स प्लस सेवन द हाइस्ट स्कोर इज एटी सेवन टेक द लोएस्ट स्कोर टू बी एल टीचर कहता है थर्ड वाला पार्ट है ये टीचर कहता है कि हाईएस्ट मार्क्स वाला जो बच्चा है उसने लोवेस्ट वाले मार्क बच्चे से एक तो दुगना और प्लस सेवन मार्क्स गेन किए हैं हाईएस्ट स्कोर जो है वो है एटी सेवन तो आप इसको इक्वेशन में चेंज कीजिए लोएस्ट स्कोर लीजिए लेट इट बी एल लोएस्ट लेट लोएस्ट Score is equal to l according to the question according to the question lowest uh, highest wale ne ek to twice that means 2l plus 7 marks gain kiye hain Total marks हैं वो आप लिख सकते हैं यहां पर total हाईस्ट स्कोर हाईस्ट स्कोर एटी सेवन इज इक्वल टू एटी सेवन तो लोएस्ट जो जो लोएस्ट मार्क्स वाला बच्चा है उसने हाइस्ट ने उससे दुगना और सात मार्क्स ज्यादा लाए हैं तो बताइए ने कितने लाए हैं हमें वो नहीं देखना है हमें खाली इक्वेशन बनानी है तो ये बन गया टू एल प्लस सेवन इज इक्वल टू एटी सेवन इसी तरह से बाकी क्वेश्चन करने हैं आप इन क्वेश्चन को अच्छे से कीजिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे मैसेज कीजिए या कॉल कीजिएगा तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़